नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही यूनिक आइडिया लेके आया हूँ मैं, जो कि बहुत ही कम पैसे लगाकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि आप बिना मशीन बिना कोई फैक्ट्री सेटअप करके अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को, जो कि मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है जो आपके साथ अभी मैं सोचा कि शेयर कर दूँ इसके साथ। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है और कम से कम कितने में स्टार्ट हो जाएगी बिजनेस, उसके बारे में आज बात करूँगा, और इसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है इसके बारे में बात करूँगा आज मैं। तो दोस्तों अगर इसको चाहे तो आप 3 से 5 हज़ार के अंदर भी घर से बैठे बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छे खासे मार्जिन कमा सकते हैं। मार्जिन का भी मैं वीडियो, अगर मैं टाइम बचा तो उसकी मार्केटिंग तो बताऊंगा ही एनी हाउ, और साथ में मार्जिन कितना बचता है वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको अनसेंटेड अगरबत्ती, जो बिना सेंट डाले हुए, जो ओनली मशीन से रो अगरबत्ती बनाए जाते हैं, वो कहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डीपी ऑयल जिसको बोला जाता है, सॉल्यूशन एक टाइप का होता है, इसको रेडी किया जाता है कि डीपी ऑयल और परफ्यूम मिला के दोनों को 4:1 के रेशियो में, 4 kg मान लीजिए डीपी ऑयल और 1 kg परफ्यूम मिलाएंगे तो 5 kg टोटल सॉल्यूशन आपका बन जाते हैं। और उसमें आप अपना अगरबत्ती को डिप करके सेंटेड डाल के, और उसमें उसको थोड़ा ड्राई करना पड़ता है, और उसके बाद आप अपनी ब्रांड में उसको पैक कर सकते हैं। ब्रांड के लिए फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं कि आपको पाउच पैकेट करवाने की ज़रूरत है, आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे इस टाइप की बॉक्सेस है, जो पहले दिखाया मैं 5 रुपये वाली पाउच है, ये बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे, रेडीमेड मिल जाएंगे, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। नहीं मिलता है तो मेरे से संपर्क कर, मैं कहीं भी इंडिया के कोई भी कोना में हूँ, आपको रिक्वायरमेंट पड़े मैं अवेलेबल करवा दूंगा, बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस में, बहुत ही कम प्राइसेस में, जिसमें मेरा कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य है कि अपने जो भी यंगस्टार है उसको जागरूक करना, और जो भी नए नए बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरा नंबर है बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में, मैं फ्री दे रखा हूँ। यही है कि थोड़ी सी टाइमिंग की बाउंडेशन से, क्योंकि मेरी भी कुछ बिजनेस चलता है जिसकी वजह से मैं पूरी दिन भर टाइम नहीं दे सकता आप लोग को, लेकिन रात में 2 घंटा मिनिमम आप लोगों के लिए मैं टाइम निकाल सकता हूँ। इस टाइप के बॉक्सेस जो आप देख रहे हैं, इस सारे के सारे रेडीमेड मिल जाते हैं और अच्छे क्वालिटी में आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करो ही, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। मैं जो आइडिया दे रहा हूँ इसके थ्रू आप लोग बिजनेस अपना स्टार्ट कीजिए। तो आइडिया यह है कि अपना आपके नियर बाई कोई भी अगरबत्ती जो बनाता होगा फैक्ट्री में संपर्क कीजिए, वहाँ पर आप रो अगरबत्ती ले लीजिए, वहाँ से 1 kg का आज कल 60 से 65 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है, मैंने मिल जा रही है उतने में। और उसके बाद डीपी ऑयल होता है, डीपी ऑयल के बाद जो कि 140 रुपये पर लीटर के आसपास मिलेगा आपको, 140 से 150 रुपये की। उसके बाद परफ्यूम होता है तीसरे नंबर पे, परफ्यूम मिनिमम 400 रुपये से स्टार्ट होगा और आपको 1600 रुपये 2000 रुपये तक जाएगा स्टार्टिंग में। मैं राय दूंगा कि एक मिडिल क्लास परफ्यूम से आप इंट्रोड्यूस कीजिए। तो ऑयल हो गया, उसके बाद पीपी कहाँ से मिलेगा इसके अंदर में, आउटर कहाँ से मिलेगा, ये सब सारी जिसको आप जिसमें पैकिंग करेंगे वो सब कहाँ से मिलेगा, सारी की सारी फोटो आपको देख रहे हैं वीडियो में, और आइडिया जिसके बारे में मैं दे रहा हूँ। देखिए ये जो इनर होते हैं जिसको पीपी बोल सकते हैं, इसमें अगरबत्ती पैक किए जाते हैं और भरते हैं। तो दोस्तों क्या है कि आप जैसे सॉल्यूशन रेडी कर लिए, सपोज 1 लीटर परफ्यूम में आप 4:1 का सॉल्यूशन रेडी कीजिए, कि माने 5 किलो सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा और 1 kg में मिनिमम आपका 5 kg अगरबत्ती बनते हैं उसमें दोस्तों। तो क्या कीजिए आप कि जैसे सॉल्यूशन रेडी हो गया आपका, 2 गमले में निकाल लीजिए, 2-2.5 लीटर का अलग अलग कर दीजिए, और उसमें आप सेंटिंग करना स्टार्ट कीजिए अगरबत्ती को, एक बार डिपो कीजिए और उसको निकालिए जस्ट, और उसको ड्राई कर दीजिए। तो मिनिमम है 1 लीटर आपका सॉल्यूशन में मिनिमम 4 से 5 kg अगरबत्ती रेडी हो जाते हैं। और अगरबत्ती की क्या होती है, जो वो होती है बंडल होती हैं वो दोस्तों, आपको इस टाइप की बंडल होती है तो छोटे छोटे बना रखे गए हैं ऑलरेडी मुठ्ठे में, एक अलग अगरबत्ती है, सेम ब्लैक अगरबत्ती, ब्लैक स्टिक अगरबत्ती से आप स्टार्ट कीजिए, जिसमें 1000 काउंट से लेकर 1100 काउंट होते हैं एक केजी में। तो दोस्तों 1 kg का प्राइस पड़ता है 65 रुपये, और आपको 1100 से 1000 ही मानिए, अगर अच्छी क्वालिटी का आप लेंगे तो 1000 मिनिमम काउंटिंग का आपको अगरबत्ती मिल जाएंगे। तो आप चलिए स्टार्ट कर कीजिए, और इसमें जो 5 रुपये वाला 10 रुपये वाला पॉकेट है, इसमें काउंटिंग करके भरे जाते हैं, जो 10 रुपये की पॉकेट्स मिलती हैं अगरबत्ती की उसमें 18 भरिए आप, उसके बाद पैक कीजिए, आउटर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे टाउन से, और नियर बाई कहीं भी आप संपर्क करेंगे अगरबत्ती फैक्ट्री में तो बता देंगे, और उससे पूछेंगे जो जो मैं बताया हूँ, जो जो लिस्ट मैंने बता रखा हूँ आपको, और जिसमें जो इसमें दिखा रहा हूँ उसके बारे में आप पता कीजिए। नहीं पता चल रहा है तो मेरे से संपर्क कीजिए, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। दोस्तों इसको क्या है कि मार्जिन, अगर आप एक
बॉक्सेस मींस जो सेट होती है 12 बॉक्सेस का एक दर्जन बनता है, तो उसमें अगर बात करें तो कितना से कितना रुपीस में हो जाएगा, तो दोस्तों उसको पैकिंग से लेकर सेंट ईच एंड एवरीथिंग में खर्चा आते हैं 42 से 48 रुपए के बीच में आ जाएंगे आपको खर्चा एक दर्जन अगरबत्ती में। आप दोस्तों अभी जाके मार्केट में पता कर सकते हैं कि उसकी क्या रेट चल रही है। आप नियर बाई कोई शॉप स्टोर स्टोकर्स हैं या छोटे छोटे दुकान वाले हैं, बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, वहाँ से पता कीजिएगा। तो जो वो लोग खरीदते हैं वो लोग मिनिमम एक दर्जन 80 रुपये में खरीदते हैं, जो होलसेल रेट में खरीदते हैं वो कम से कम 75 रुपये, उससे डाउन आते ही नहीं है। 80-90 रुपये में और करके आप सेल कर सकते हैं, जो कि उसको सेलिंग प्राइस होगा। आप 80-90 रुपये में सेल कर रहे हैं तो अपना आराम से 120 रुपये, अगर 10 रुपये भी करके बेच रहा है तो वो कमा लेगा। तो जो ये अगरबत्ती देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, एक एक केजी का बंडल है, इसमें मिनिमम एक केजी में 1000 से लेकर 1100 आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर जो 10 रुपये वाला होते हैं अगरबत्ती, उसमें आपको सेट कर सकते हैं कि 18 अगरबत्ती पैक कीजिए मिनिमम। आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कीजिए, मैं आपके बारे में ये सारे के बारे में बता दूंगा कितना कितना कैसे कैसे करना है। अगर वैसे मैं जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, समझ रहे दोस्तों। तो इस टाइप की कलरफुल अगरबत्ती से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और नॉर्मल अगरबत्ती मैं तो पहले राय दूंगा कि आप नॉर्मल अगरबत्ती से स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों क्या है ना कि इसमें मार्जिन बहुत अच्छे खासे हैं। इसको मान लीजिए कि एक दर्जन अगर आप सेल कर रहे हैं मिनिमम प्राइस में, तो आप 70 से 75 रुपये में दुकान को देंगे, और एक दर्जन मैं मैक्सिमम मान लेता हूँ खर्चा आपको, जो एक दर्जन की बनाने में खर्चे बढ़ते हैं वो 50 रुपये के आते हैं मैक्सिमम मानता हूँ। तो और आपको 70 रुपये में भी अगर सेल कर रहे हैं होलसेलर में, तो जहाँ पे आपको अगर बत्ती लेंगे ना दोस्त, वो मिनिमम आपसे 10 दर्जन 12 दर्जन 15 दर्जन या 5 दर्जन या 2 दर्जन भी लेते हैं, तो एक दर्जन में आपको 20 से लेकर 30 रुपया तक की मार्जिन आ जाती है। तो आप जोड़ लीजिए कि अगर आप डेली मार्केट में अगर स्टार्टिंग लेवल पे अगर आप 20 दर्जन भी सेल कर रहे हैं, तो 3 × 2 = 6, अगर एक होता है एक दर्जन में 30 रुपये की मार्जिन हो रही है, तो आप आराम से 600 रुपये की अर्निंग कर लेंगे आप। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे वैसे ही जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे ही आप क्या होगा कि आपका मार्केट बढ़ेगा। तो आपको दोस्तों इसमें डेली का 50 दर्जन मिनिमम आप सेल कर पाएंगे, स्टार्टिंग लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 5 दिन से 10 दिन मार्केट में घूम लिए, फर्स्ट आप ट्राई कीजिए, मार्केट में जाइए और विजिट कीजिए। 3000 से 5000 रुपया अगर बर्बाद करने से पहले भी ना आपको लग रहा है कि मैं बर्बाद कर रहा हूँ अपने ऊपर, तो इससे पहले मार्केट विजिट कीजिए, अगरबत्ती का रेट पता कीजिए आप पहले। अगरबत्ती के रेट पता करने के बाद ना आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए दोस्तों, तो उसमें आपको रियलिटी पता चल जाएगी क्या है, और इसमें मार्जिन क्या है और क्या बचत आती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस को वही लोग स्टार्ट कर सकते हैं जिसको दोस्तों लग रहा है कि वो अपने घर में इतने बड़े हो गए हैं कि वो घर से कुछ मांग भी नहीं सकते हैं और उनके पास कुछ देने के लिए है भी नहीं। तो बिना सोचे समझे दोस्तों स्टार्ट कीजिए, कोई भी ज़्यादा पैसा नहीं है कि आपको इतना जो है 3 से 5 हज़ार रुपया, आप कहीं से भी कितना भी गरीब आदमी होगा ना वो अरेंज कर लेंगे। और दोस्तों इतनी भी अगर आपको हिम्मत नहीं है ना कि आप 8000 या 3000 या 5000 रुपया अरेंज करके और आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं करें, तो फिर मैं तो मानता हूँ कि आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आप में। बिजनेस या कोई भी फील्ड में आप सक्सेस होने की आपको संभावनाएं बहुत कम रहेगी। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चाहिए तो और कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो देता रहूँगा। और जो भी अपना एक्सपीरियंस है, मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि जो अपना एक्सपीरियंस है उसी को मैं शेयर करूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से संपर्क करें आप, इसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी की पूरी आइडिया और राय दूंगा अपना, और बिजनेस मार्केटिंग कैसे करना है इसके बारे में पूरे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, थैंक यू सो मच।